पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली नोएडा पहुंचने पर जिस तरह का एहसास होता है उसी तरह मुरादाबाद की सीमा में प्रवेश करने पर एहसास होगा। चारों तरफ से विकसित मुरादाबाद का खाका बनेगा। शासन ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार को हरी झंडी मिल गई है और हरी झंडी मिलने के बाद इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। MDA ने इन गाँव का नक्शा जारी कर दिया है, लेकिन अभी इन 71 गाँव का नया मास्टर प्लान भी तैयार होगा। नया मुरादाबाद योजना के बाद MDA के पास अपना लैंड बैंक नहीं था, इस वजह से कई योजनाओं की न लॉन्चिंग हो रही थी और न ही डेवलपमेंट हो पा रहा था। सीमा विस्तार के बाद नया लैंड बैंक मिलेगा, इससे फ्लैट कल्चर बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, मॉल, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक गतिविधियां सभी में इजाफा होगा, परिवहन सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। तरक्की की ये इबारत सीमा विस्तार में शामिल 71 गाँव में देखी जाएगी। इसमें मुरादाबाद सदर तहसील के 34 गाँव, कांठ तहसील के 18 गाँव, अमरोहा जनपद के 16 और संभल के 3 गांव शामिल हैं। गांव में बिना नक्शा पास किए कोई निर्माण नहीं होगा। कांट रोड से अगवानपुर क्रॉसिंग से आगे भी विकास की संभावनाएं काफी हैं। प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में हमने शासन को सीमा विस्तार के लिए प्रपोजल भेजा था। सीमा विस्तार में प्राधिकरण चाहता है कि जिले में और डेवलपमेंट की तैयारियां की जाएं, जिसमें मुरादाबाद के विभिन्न गांवों को शामिल किया गया है। सचिव राजीव पांडे ने बताया कि अब उन्हें यह अनुमति मिल गई है। प्रेजेंट टाइम में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो सीमा विस्तार भेजा गया था उसमें 70 गाँव तहसील के प्रारंभ आए और इसके बाद जो क्षेत्र सीमा अधिकार हमारा हुआ है उसमें मूला पांडे का 3 गांव संभल के, 18 गांव काट के और 17 गांव गजरौला के हमको प्राप्त हुए हैं। इससे काफ़ी दूरी तक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का क्षेत्र चला गया है। हमारे पास अब बहुत सारी लैंड बैंक और बहुत सारे कार्य करने की योजनाएं बनाने के लिए, आगे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत क्षेत्र आने वाला है, जिससे मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाके का पूर्ण विकास होना संभव। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।